तो वैन के फाइनली तेरा मेरा साथ रहे और फिर जाने वाला है, मतलब एक फाइनली एक बहुत ही बेकार सी न्यूज आ रही है, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो भाई तेरा मेरा साथ रहे और फिर जाने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है आइए इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं। और भाई इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कल रात से एक न्यूज काफी ज्यादा लाइम लाइट में बनी हुई है कि भाई तेरा मेरा साथ रहे फाइनली और फिर जा रहा है। और भाई इसका रीजन सिंपल सा ये बताया जा रहा है कि भाई तेरा मेरा साथ रहे की जो टीआरपी काफी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, बहुत ही ज्यादा बेकार टीआरपी आ रही थी, जिसकी वजह से भाई तेरा मेरा साथ रहे को ऑफर किया जाएगा। और भाई तेरा मेरा साथ रहे को ऑफर करने वाला कोई न्यू टेलीविजन प्रोग्राम आने वाला है स्टार भारत पे, जिसके मेन लीड सही शेख होने वाले हैं और ये राजन साहब प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनने वाला है। और इसकी जो फीमेल एक्ट्रेस होने वाली है पर हेवा नवाब का बहुत ही अच्छा खासा नाम आ रहा था, लेकिन हालांकि अभी कोई भी चीजें कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी की सारी महज एक रूमर्स है। और भाई इन सारी की सारी रूमर्स का ऑर्गेनाइज कहां से हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर भाई जो तेरा मेरा साथ रहे के एक डायरेक्टर है इन्होंने मतलब आशीष श्रीवास्तव, इन्होंने एक पोस्ट शेयर कर दी जहाँ पर इन्होंने काफी सारे फेयरवेल के मतलब शब्दों का उपयोग किया था। अब भाई मतलब फेयरवेल शब्द का उपयोग किया था और भाई इतना ही नहीं इनके इस पोस्ट में तेरा मेरा साथ रहे भी लिखा हुआ था। अब तो भाई हजारों यूट्यूबर हजारों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके दिमाग की बत्ती जल गई, उन्होंने ये सोचा कि भाई तेरा मेरा इससे बढ़िया हमें न्यूज कोई से नहीं मिलने वाली, तेरा मेरा साथ रहे का मतलब फेयरवेल भी हो चुका है भाई, फाइनली तेरा मेरा साथ रहे और फिर जाने वाला है। जबकि भाई शहे जो हमारी ये आशीष श्रीवास्तव जी इन्होंने ये पोस्ट डाली थी ये कुछ इन्होंने न्यू ईयर के रिगार्डिंग डाली थी और भाई वो मे बी शो को कुछ दिनों के लिए ड्रॉप करना चाहते इसकी वजह से उन्होंने ये पोस्ट डाली थी। अब भाई यहाँ से ना सारी सारी रूमर्स ऑर्गेनाइज हो चुकी थी कि भाई तेरा मेरा साथ रहे ऑफर जा रहा है। फिर क्या था भाई हमारी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू फेक न्यूज को फैलने में टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल वही तेरा मेरा साथ रहे इस न्यूज के साथ भी है। मतलब कुछ ही घंटों में न्यूज इतनी वायरल हो गई कि भाई खुद से जिया माने को यहाँ पर सामने आकर एक लिंक शेयर करना पड़ा, जहाँ पर भाई उन्होंने खुद जिया मानेक ने एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बातों के चलते हुए जिया मानेक ने खुद ही कंफर्म किया कि भाई तेरा मेरा साथ रहे नहीं ऑफर जा रहा है, ना ही तेरा मेरा साथ रहे का कोई टाइमिंग स्लॉट चेंज होने वाला। मतलब सही शेख का जब ये न्यू टेलीविजन प्रोग्राम आएगा तो एक उसे एक न्यू टेलीविजन स्लॉट दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर तेरा मेरा साथ रहे की टाइमिंग स्लॉट उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले। मतलब यार ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि भाई जिया मानेक को खुद से एक लिंक शेयर करना पड़ा, जो कि आप उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर देख भी सकते हैं जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। तो आप प्लीज अभी निश्चिंत हो जाइए कि तेरा मेरा साथ रहे ऑफ है जाने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और रही बात अगर रेटिंग्स की हम बात करें तो भाई रेटिंग तेरा मेरा साथ रहे के वीक 2 से 0.5 आ रही है, मतलब ऑलवेज कॉन्स्टेंट ही उसकी रेटिंग्स चलेंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई तेरा मेरा साथ रहे की रेटिंग्स काफी ज्यादा बेकार आ रही, जितनी उसकी ओपनिंग टीआरपी थी बस उससे थोड़ा ही बहुत नीचे गई है, ज्यादा उसकी बेकार भी टीआरपी नहीं आ रही है। अगर तेरा मेरा साथ रहे से कोई ज्यादा खतरे में तो वो ससुराल गेंदा फूल का सीजन 2, क्योंकि भाई उसकी ओपनिंग टीआरपी भी काफी ज्यादा बेकार आई है। और हाँ इन फ्यूचर हमको ससुराल गेंदा फूल अगर यही मतलब सेम टीआरपी के साथ कंटिन्यू रहेगा तो डेफिनेटली वो ऑफेयर हो जाएगा। तो प्लीज आप इसके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए तेरा मेरा साथ रहे अभी तो ऑफेयर नहीं जा रहा। आपको सारी की सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि आखिरकार पूरे के पूरे क्या कहानी थी। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को भी लाइक कर देना और इस तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।